हेलो गाइस, तो आज हम प्ले कर रहे हैं दोबारा से आर्क सर्वाइवल। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने ट्राइक को पकड़ लिया है और आज उसका सैडल बनाएंगे हम ट्राइक का। और कल हमने एक और नए को पकड़ा था, डायना को, जो ये रहा छोटा सा डिल्फोसोरस। तो देखते हैं हम ट्राइक का सैडल कौन से लेवल पे बना पाएंगे हम। और ट्राइक आ चुका है अभी हमारे पास और ये लेवल 10 का ट्राइक है, तो मैं जल्दी से जाके इसका सैडल बना लेता हूँ और जो हमारे पास क्या कहते हैं रिसोर्सेज हैं वो देख लेता हूँ पूरे हैं या नहीं, क्योंकि मुझे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी इसके सैडल बनाने के लिए। तो गाइस, मैं अपना मेरा लेवल अप भी आया हुआ है, तो मैं अपना एक लेवल अप कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ किस चीज़ में लेवल अप करना चाहिए मुझे। तो स्टेमिना में लेवल अप कर देते हैं क्योंकि स्टेमिना की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रहा मेरा ट्राइक, 16 लेवल पर ट्राइक का सैडल अनलॉक कर लिया है। तो इसके लिए हाइड फाइबर वुड तो पड़ा हुआ है, हमें हाइड देखते हैं। हाइड है, हाइड तो बहुत सारी पड़ी है पर लेकिन फाइबर नहीं पड़ा हुआ है यार। फाइबर कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा हमें। और ये देखो गाइस, हमें क्या मिला, हमें पैरासोर का एग मिल चुका है। तो हम जल्दी से यहाँ से फाइबर कलेक्ट कर लेते हैं इन सभी बूसेस से, फिर हम जाके ट्राइक का सैडल अनलॉक कर पाएंगे और उस पर राइड करेंगे हम ट्राइक पे। मैं ये कलेक्ट करने में यार बड़ा टाइम ले रहा है, कोई वो ही नहीं मिल रही इसमें, कुछ वो होगा फाइबर कलेक्ट करने के लिए। मुझे बताना किस चीज़ से फाइबर कलेक्ट होता है क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है फाइबर कलेक्ट करने में। ये देखो, ये अभी भी कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे फाइबर, दो दो तीन तीन फाइबर उठा रहा है भाई। इतना जवान हो के तो ये इतना कम काम कर रहा है। तो देखता हूँ मेरे पास कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ फाइबर। तो कंप्लीट हो जाता है तो मैं ट्राइक का सैडल बना पाऊंगा। तो चेक करते हैं, मुझे लग रहा हो गया होगा। तो जल्दी से क्राफ्ट कर लेता हूँ मैं ट्राइक का सैडल। तो गेम को भी सेव कर लेते हैं, कहीं क्रैश ना हो जाए हमारा गेम। तो ट्राइक भाई, आज ट्राइक के ऊपर बैठेंगे, मजा आएगा इस ट्राइक से। फार्मिंग बहुत ईजी हो जाएगी, आप देखना। मेरे पास अभी बहुत कम नार्को बेरीज हैं और अब देखते हैं ट्राइक का सैडल। और फाइनली बन चुका है हमारा ट्राइक का सैडल। तो लगा देते हैं इस पे और राइड करते हैं ट्राइक के ऊपर। तो देख सकते हो गाइस, और इसके कंट्रोल्स भी इजी हैं। तो ये देखो, मैं इधर से लेफ़्ट साइड से अप कर रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ये देखो कितना तेज भाग के जा रहा है भाई भाई, पर ये हमारा सारा स्टेमिना ख़त्म कर देता है। देखो इतने सारा वुड टैच ये निकाल के दे रहे हैं। और दोबारा से दिखाता हूँ आपको मैं चार्ज करके एक और बार ना। ये देखो, रोक भी सकता हूँ मैं इस चार्ज को, मैं अटैक के बटन पे प्रेस करूँगा तो ये चार्ज रोक देता है अपना। ये देखो मुझे कितनी सारी बेरीज मिल रही है, मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो इसके ऊपर से मैं अटैक भी कर सकता हूँ किसी डाइनो के ऊपर। तो 8-8, 10-10 बेरीज मिल रही है मुझे एक ही अटैक से। तो अब मेरा फार्मिंग का काम ईजी हो जाएगा, कोई वो नहीं होगी, डिफ़िकल्ट नहीं होगी मुझे फार्मिंग करने में। तो मैं इधर की जितने भी बुशेस हैं सभी में से बेरीज ले लेता हूँ। ज़्यादातर तो हमें नार्को बेरी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम वो बना पाएँ, क्या कहते हैं, अपना नार्कोटिक्स बना सकें। तो ट्राइक का भी लेवल अप हुआ है तो इसका स्टेमिना में लेवल अप कर देता हूँ। और देखो क्या खुशी से जंप मार रहा है, इधर उधर उछलने में लगा हुआ है ट्राइक का बच्चा। तो मैं सारे पेड़ तोड़ दूंगा आज इसमें आर्क सर्वाइवल में, जितने जंगल में पेड़ लगे हुए हैं सारे टूटेंगे आज। तो पेड़ ही, एक भी पेड़ नहीं रहेगा यहाँ पर अपने आप ही हो जाते हैं थोड़ी देर में स्पॉन, तो कोई घबराने की बात नहीं। और मैंने यार वो पंछी को भी पकड़ना है, ये ऊपर उड़ने में लगा हुआ पेट्राडॉन, ये पता नहीं कब हाथ में आएगा। और मेरा इस सैडल भी नहीं अनलॉक हुआ पड़ा, इसका देखते हैं सैडल कब अनलॉक होगा इसका। तो देखते हैं इसने कितनी सारी बेरीज फार्म करी हुई है, चेक करते हैं इसके इन्वेंट्री में से, तो फिर ये बेरीज हमारे काम आएंगी। और 52 बेरीज इसने कलेक्ट कर ली नार्को बेरी। और ये पैरासोर बहुत स्लो बेरीज कलेक्ट करता था, तो मैं 52 जो बेरीज कलेक्ट करी हैं ये सारी उसमें डाल देता हूँ अपने मोटर एंड पेस्टल पे। तो वहाँ पर वो होता रहेगा, क्या कहते हैं अपना, वो बनता रहेगा। इन सभी मैं फूड वूड चेक कर लेता हूँ, फूड है नहीं है। तो इसके भी भाई 9 लेवल आए हुए हैं, तो बाद में इसको अपडेट करेंगे। तो आप हमारे दो नए फ्रेंड के नेम बताना, ट्राइक एंड डिल्फोसोरस।